फ्रेंड्स ये देखिए आज मैं आपके लिए ये हाफ स्वेटर या इसे हाफ क्रॉप टॉप कहते हैं वो लेकर आई हूँ और इसका जो पैटर्न है वो मैंने पहले ही आपको बनाना बता दिया था आज मैं आपको इसकी लेंथ और इसकी शोल्डर कटिंग और ये सेंटर का जो इसका नेक है वो बनाना बताऊंगी ये इसका बैक पार्ट है जो कि हमने बना लिया है तो जैसे हमने इसका बैक पार्ट बनाया है वैसे ही सेम इसका जो है फ्रंट पार्ट वो रहेगा तो मैं इसकी बैक पार्ट की आपको फुल मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है तो देखिए यहाँ पर इसके जो नीचे के हमने फंदे रखे हैं कास्ट ऑन किए हैं वो वन टू फंदे हमने रखे हैं यानी कि एक सौ दो फंदे हमने नीचे से इसके कास्ट ऑन किए हैं और देखिए मैंने यहाँ पर ये इसके डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं ये मैंने अपने चैनल पर पहले भी डालने बताए हैं तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और उसके ऊपर मैंने इसका ये बॉर्डर बनाया है बॉर्डर हमने दो उल्टे और दो सीधे फंदों का बनाया है तो यहां पर हमने 102 फंदे रख के दो उल्टे और दो सीधे फंदों का बॉर्डर इसका बनाया है तो जो बॉर्डर की लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूं कि हमने कितनी रखी है बॉर्डर लेंथ ये देखिए यहां से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने इसकी बॉर्डर लेंथ अप्रोक्स सिक्स इसकी बॉर्डर लेंथ हमने रखी है उसके बाद हमने पहले इसकी सीधी सिलाई बनाकर और रॉन्ग साइड से इसकी उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है एक रॉ हमने बैक साइड से रॉन्ग साइड से इसकी ये देखिए इस तरह से उल्टे फंदों के साथ बनाई है उसके बाद सीधी साइड में आने के बाद हमने इसका ये पैटर्न जो है वो स्टार्ट किया है तो जो पैटर्न है वो इसका हमने रखा है वो फोर रॉ का इसका पैटर्न है और यहाँ पर हम हमारे 102 फंदों में ये पैटर्न अच्छे से सेट हो जाता है तो यहाँ पर हमने ये इसका पैटर्न डाला है और इसके टोटल पैटर्न ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन यानी कि चौदह पैटर्न इसके डले हैं और एक्स्ट्रा इसके फंदे मैंने रखे हुए हैं ये पैटर्न मैंने पहले भी आपको बताया है उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी वहां जाकर आप इसको सीख सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसके चौदह पैटर्न डाले हैं और इसको हमने जो पैटर्न की टोटल लेंथ यहां से लेकर शोल्डर तक हमने बनाई है वो मैं आपको बता देती हूं इसकी लेंथ ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेवन कि 11 ग्यारह हमने रखी है तो नीचे से ये देखिए इसकी टोटल जो लेंथ है वो शोल्डर से लेकर सेवनटीन इंच यानी कि सतारह इंचेस इसकी टोटल लेंथ हमने रखी है और यहां से जो इसका नेक है वो नेक ये देखिए नेक की जो डीपनेस है वो इसकी साढ़े चार इंचोर पॉइंट फाइव इंचज है और टोटल जह, जहां से हमने इसे स्टार्ट किया है नेक को वो साढ़े पांच इंचज से हमने इसको स्टार्ट किया है फाइव पॉइंट फाइव से इसको स्टार्ट किया है और इसकी शोल्डर की जो लेंथ है ये देखिए यहां पर मैंने जो रखी है शोल्डर की लेंथ वो सेवन पॉइंट फाइव इंच रखी है आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं तो जो इसके साइड में हमने फंदे रखे हैं वो ट्वेंटी वन फंदे इस साइड में और ट्वेंटी वन फंदे इसके इस साइड में हमने रखे हैं यानी कि इक्कीस फंदे इस साइड में और इक्कीस फंदे इसके इस साइड में हमने रखे हैं और बाकी के इसके जो सेंटर के फंदे हैं वो हमने क्लोज कर दिए हैं और यहाँ पर जो हमने कटाई की है शोल्डर की वो पांच चार तीन दो एक की हमने इसकी कटाई की है पांच चार तीन दो एक की कटाई की है आप कम ज्यादा भी इसकी कटाई कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर इसकी पांच चार तीन दो एक की कटाई की है क्योंकि हमने आगे इसको फिर बनाना है साइड में इसके जो फंदे उठाकर हम इसको बनाएंगे तो ये हमने बना लिया है अब मैं इसके फ्रंट पार्ट की इसकी शोल्डर कटिंग और इसकी नेक कटिंग आज आपको बताऊंगी तो देखिए इसकी जो शोल्डर की कटिंग है वो हमने इसके जो पैटर्न डाले हैं वो देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन यानी कि ग्यारह पैटर्न हमने इसके डाले हैं उसके बाद इसकी जो है वो कटिंग स्टार्ट कर दी है ग्यारह हमने इसके कंप्लीट पैटर्न डाले हैं। जो भी इसके आफ्टर फोर रॉ के चार रॉ का ये पैटर्न है और इसकी कंप्लीट ग्यारह जो पैटर्न जब हमने डाल लिया उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट की है तो इसको देखिए हमने कैसे बनाया है मैं आपको बताती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हमने ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये देखिए इलेवन यानी कि ग्यारह इसके हमने पैटर्न जो है वो फुल डाल दिए हैं अब हम इसकी ऊपर शोल्डर कटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं इसकी पांच की कटिंग पहले करूंगी पांच चार तीन दो एक की हमने कटिंग की है तो यहाँ पर मैं इसकी ये देखिए इसको ऐसे टर्न करूंगी और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना दूंगी तो फाइव फंदे एक साथ डिक्रीज करेंगे फिर से बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा टू बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा थ्री बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फोर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फाइव ये देखिए फाइव फंदे हमने डिक्रीज कर दिए हैं और बाकी का इसका पैटर्न हम सेम ही डालेंगे तो देखिए यहां पर हम इसका पैटर्न डाल लेते हैं एक फंदा सीधा फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे लेकर जाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे one, two, इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे ये देखिए फिर से फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर ये इसी तरह से इसकी ये सारी रॉ कंप्लीट कर लूंगी और बैक इसकी साइड में जाकर इसके फाइव फंदे हम डिक्रीज करेंगे तो ये सारी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ये देखिए लास्ट में आ गए हैं इस सीधी रो की तो यहाँ पर हम ये वाला फंदा जो हम पैटर्न डालते हैं वो इस तरह से डालते हैं ये वाला फंदा स्लिप करते हैं और ये दो फंदे सीधे बनाते हैं और इस फंदे को इन दो फंदों के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक फंदा जो है वो डिक्रीज हो जाता है और हम रॉन्ग साइड में जाकर इस फंदे को इंक्रीज करते हैं तो अब हमने यहाँ पर फाइव स्टिचेस जो हैं फाइव फंदे जो हैं वो हमने कम करने, आ, करने है करने हैं डिक्रीज करने हैं रॉन्ग साइड में इसलिए हम यहाँ पर इस फंदे को जो है वो डिक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर डिक्रीज कर दिया तो फिर इसको हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे रॉन्ग साइड में जाकर इसलिए हम इसको इस रॉन्ग में लास्ट में जाकर इसको डिक्रीज नहीं करेंगे तो अगर इस तरह से आपका पैटर्न आएगा तो आपने लास्ट में इसको डिक्रीज नहीं करना है तो इसको हम सिंपल सीधा ही बना लेंगे सभी फंदे फंदों को और ये वाले फंदे जो हैं ये उल्टे बना लेंगे तो बाकी का पैटर्न तो सेम ही डालेंगे यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको चेंज करना है अब रॉन्ग साइड में आएंगे और यहां पर हम दो फंदों फाइव फंदे डिक्रीज कर देंगे तो दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव ये देखिए हमारे फाइव फंदे डिक्रीज हो गए हैं ये देखिए ये वाला फंदा यहाँ पर एक फंदा सीधा रह गया है इसलिए हमने इसको सीधी साइड में डिक्रीज नहीं किया था तो अब हम बाकी के फंदे जो हैं सेम हमारा पैटर्न जैसे चलता है वैसे ही इसको बना लेंगे पैटर्न को तो ये देखिए इस तरह से हम इसको रॉन्ग साइड में इंक्रीज करते हैं एक फंदे को जो हम सीधी साइड में डिक्रीज करते हैं तो इस तरह से हम इसको बनाते हुए इस सारी रॉक को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए अब हमने ये इसकी रॉन्ग साइड के लास्ट में आ गए हैं तो इसमें हमने ये देखिए किस तरह से करेंगे ये उल्टा फंदा है इसको उल्टा बना लेंगे और ये वाला जो लास्ट वाला फंदा है इसको हमने ऐसे स्लिप कर लेना है इसको हमने इसलिए स्लिप किया है क्योंकि इसकी जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो जो साइड में डिक्रीजिंग होगी वो बहुत ही अच्छे से एक रॉ में जाएगी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर हमने इसकी डिक्रीजिंग की है तो देखिए इस तरह से इसकी बहुत ही स्मूथ सी डिक्रीजिंग होती है इसलिए हम दोनों साइड में जब लास्ट का फंदा उतारेंगे तो उसको हमने स्लिप करके ही उतारना है ये देखिए दोनों साइड से इसकी बहुत ही स्मूदिंग सी जो है वो साइड में डिक्रीजिंग होगी तो अगर हम इसको बुनकर लेंगे तो फिर जो इसकी डिक्रीजिंग है वो एक साथ प्रॉपर नहीं आएगी इसलिए हम इसको हमेशा स्लिप करके ही लेंगे तो अब कैसे करना है सीधी साइड में आ गए हैं तो अब हमने फोर फंदे डिक्रीज करने हैं तो इसको दो फंदों को एक साथ ले लेंगे अब ये वाला फंदा इसके ऊपर से पहले ड्रॉप कर देंगे तो हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया है वन अब बाकी के फंदे डिक्रीज करेंगे फिर इसको सीधा बुनेंगे ऊपर से डिक्रीज करेंगे टू थ्री फोर ये देखिए यहाँ पर हमने चार फंदे डिक्रीज कर दिए हैं और ये देखिए इस तरह से इसकी बहुत ही स्मूथ सी साइड में बनेगी चेन तो बाकी की जो इसका पैटर्न है वो हम सेम ही डालेंगे जैसे पहले हम इसका डालते हैं वैसे ही इस पैटर्न को भी बना लेंगे तो एक फंदा उल्टा दो तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा और लास्ट में तीन फंदे सीधे वन टू थ्री इसी तरह से इस पैटर्न को एंड तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए लास्ट में आ गए हैं और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे एक फंदा सीधा अब लास्ट का फंदा ऐसे वाइज स्लिप कर लेंगे अब रॉन्ग साइड में जाएंगे और इन दोनों फंदों को इस तरह से एक साथ लेंगे और स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे तो एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया तीन फंदे और डिक्रीज करेंगे तो फोर फंदे डिक्रीज करने हैं वन टू थ्री फोर ये देखिए इस तरह से फोर फंदे डिक्रीज कर लेंगे और बाकी के फंदे हम इसके सेम ही बना लेंगे ये देखिए ऐसे ही सारी रॉ को कंप्लीट करेंगे और लास्ट का फंदा इसका स्लिप करके लेंगे तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं तीन फंदे डिक्रीज करेंगे दोनों फंदे एक साथ लेंगे इसको ऊपर से डॉप करेंगे वन टू तो, थ्री आ, बाकी के फंदे सेम ही पैटर्न में डालेंगे फोर फंदे उल्टे ये देखिए इस तरह से सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे अब देखिए लास्ट में आ गए हैं तो फिर से इसको हम डिक्रीज नहीं करेंगे इसको तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। वन टू थ्री एक फंदा उल्टा इसको स्लिप कर लेंगे अब रॉन्ग साइड में जाएंगे और तीन फंदे डिक्रीज करेंगे ऐसे लेंगे इसको ऊपर से स्लिप कर देंगे वन टू थ्री अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सीधा फंदा है आ, बाकी के फंदे हम जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे इसको पैटर्न को हम वैसे ही बना लेंगे जैसे इसको बनाते हैं तो ये देखिए पैटर्न को डालते हुए इस सारी रॉ को एंड तक बनकर कंप्लीट कर लेंगे अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं तो हमने इसके पांच चार तीन फंदे डिक्रीज कर दिए हैं अब दो फंदे इसके डिक्रीज करेंगे तो इनको एक साथ नीडल पर ले लेंगे और ये वाला फंदा ऊपर से डॉप करेंगे वन टू अब बाकी के फंदे इसके पैटर्न को सेम ही डालेंगे देखिए इसी तरह से इस सारी रॉ को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे अब देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं तो दो फंदे डिक्रीज कर देंगे टू बाकी के फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे और इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं और अब हमने एक फंदा इसका डिक्रीज करना है यहाँ पर हमने पाँच चार तीन दो फाइव फोर थ्री टू की कटिंग कर दी है पाँच चार तीन दो एक, एक की कटिंग अब हमने करनी है तो यहाँ पर अब हम इसका ये देखिए नेक का पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने इसका ये वाला जो पोर्शन है नेक का नीचे उल्टे उल्टे फंदों का ये देखिए ये वाला इसका नेकअप पोर्शन बनाना स्टार्ट करेंगे इसका जो नीचे का ये पोर्शन है उल्टे उल्टे फंदों का इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे ये देखिए जो पैटर्न है वो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन यानी कि तेरह इसके पैटर्न हमने कंप्लीट डाले हैं और उसके बाद हमने इसको ये स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमारे दो पैटर्न जो हैं वो इस साइड में और दो पैटर्न इस साइड में रहेंगे तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और सेंटर के जितने भी फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा बना लेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अगर चाहें तो पैटर्न अगर आपके पास ज्यादा आप इसके फंदे रखते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो ज्यादा हो जाएंगे तो आपने फिर उसी हिसाब से इसको बना लेना है तो यहाँ पर हमारे पास ये इतने फंदे हैं तो हमारे ये साइड में हमने ट्वेंटी वन फंदे इस साइड में हमने रखने हैं और ट्वेंटी वन फंदे इस साइड में हमने रखने हैं और ये जो हमने इसके साइड में ये तो उल्टे फंदों की पट्टी बनाई है ये इसके हमने टू फोर सिक्स एट ये टू फोर सिक्स एट फंदे हमने इसके उल्टे रखे हैं तो एट फंदे उल्टे रख के बाकी के फंदे जो हैं आपने पैटर्न के बना लेने हैं अगर आपके फंदे कम या ज्यादा हैं तो उसी से आपने फिर इसको एट या उससे कम भी आप इसको रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एट फंदे रखी हैं तो अब हम यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज करेंगे दो फंदे ये पैटर्न के रखेंगे बाकी फंदे इसके उल्टे उल्टे बना लेंगे तो यहां से हमारा जो नेक है वो स्टार्ट होगा तो अब देखिए कैसे करेंगे तो देखिये यहाँ पर हमारे ये थर्टीन यानी कि तेरह पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन यानी कि तेरह हमारे पैटर्न हो गए हैं और हमारा एक हमने फंदा जो है वो अब डिक्रीज करना है तो देखिए कैसे करेंगे इन दो फंदों को लेंगे इसको ऊपर से इसके ड्रॉप कर देंगे और हमारा पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे वन टू एक फंदा स्लिप करेंगे फिर दो फंदे सीधे वन टू अब इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे ये देखिए फिर फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे ये देखिए हमारे दो पैटर्न हमने डाल लिए हैं अब बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे तो अब देखिए कैसे करेंगे काउंट कर करते हैं इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन

थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव एंड फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं अब ये दो पैटर्न ये देखिए साइड में दो पैटर्न है इनको हम बना लेंगे दो फंदे सीधे इसको ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे फिर धागा आगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे ड्रॉप करेंगे धागा आगे लास्ट में दो फंदे तीन फंदे उल्टे इसको स्लिप कर लेंगे अब रॉन्ग साइड में जाएंगे और एक फंदा डिक्रीज कर देंगे देखिए इसको एक फंदे को डिक्रीज कर देंगे और हमारी जो शोल्डर की कटिंग है वो दोनों साइड से कंप्लीट हो गई है अब हम हमारा पैटर्न डालेंगे तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न हम साथ में जो हमने दो पैटर्न इसके रखे हैं उसको हम सेम ही बना लेंगे और बाकी के फंदे हमने उल्टे उल्टे दोनों साइड में बना लेने हैं तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न है फिर से इसको बना लेंगे अब ये हमारे यहाँ से उल्टे फंदे हैं अब साइड से भी ये इसके फोर्टी सिक्स जो भी हमारे सेंटर के हैं उन सभी को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे और साइड में इसका जो पैटर्न है उसको हमने सेम ही बना लेना है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि इसको किस तरह से करेंगे फिर देखिए यहाँ पर हम ये सभी फंदे जो हैं उनको उल्टा उल्टा बना लेंगे और जो हमने दो पैटर्न डाले हैं उसको हमने ऊपर तक सेम ही बनाते हुए जाना है ये देखिए अब हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया है तो हम पैटर्न डालेंगे सेम ही डालेंगे पैटर्न को तो ये देखिए यहाँ पर फोर फंदे सीधे वन टू तो, थ्री फोर फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे दूसरा फंदा उल्टा फिर दो फंदे सीधे और साइड का फंदा हम उल्टा बना लेंगे तो वो यहाँ पर हमारी जो साइड में शोल्डर की दोनों साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है और हमारा नेक का पोर्शन स्टार्ट हो गया है दोनों साइड में हमने दो दो इसके पैटर्न रखे हैं बाकी के ये सेंटर का फंदे हम इसके उल्टे उल्टे बनाएंगे तो यहाँ पर हमने जो इसकी टोटल रॉ है वो ये यह देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूं यहाँ पर हमारे ये फोर रॉ बननी चाहिए ये देखिये वन टू थ्री फोर और इसकी जो टोटल रॉ है वो हमारी ये देखिए एक ये सीधी साइड में एक उल्टी साइड में टू फोर सिक्स एट एट रॉ हमारी इसकी हम बना लेंगे तो हमने यहां पर इसकी दो रॉ बना ली है और सिक्स रो ऊपर और टोटल एट uh, रो हम इसकी ये सेंटर के उल्टे उल्टे फंदों को बनाते हुए और साइड में पैटर्न डालते हुए इसकी और बना लेते हैं टोटल एट रो इसकी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे करेंगे ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी एट रो बना ली है और ये हमारे जो ये देखिए हमने इसकी एट रॉ कंप्लीट कर ली है और अब हम इसकी नेक को डिक्रीज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे सीधी साइड में आ गए हैं ऐसा स्लिप कर लेंगे और अब देखिए यहां पर हम हमारा पैटर्न डालेंगे इसको स्लिप कर लेंगे दो फंदे सीधे इसको ऊपर से डॉक करेंगे फोर फंदे उल्टे टू थ्री फोर स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे और ड्रॉप करेंगे अब देखिए ये हमारा पैटर्न यहाँ तक हमने डाल लिया है अब हम एट फंदे इसके नेक के उल्टे रखेंगे तो धागा आगे करेंगे फोर, फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब धागा पीछे लेकर जाएंगे तो तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसके ट्वेंटी वन कि किस फंदे नेक के रखे हैं इसको काउंट करते हैं टू फोर सिक्स एट सिक्सटीन एटीन नाइनटीन और यहाँ पर हमने एक एक फंदा इसका डिक्रीज किया है दो फंदे इसके ये वाले ऐड करेंगे तो इसके ट्वेंटी वन फंदे हमने इसके एक साइड शोल्डर के रखे हैं तो ट्वेंटी वन फंदे छोड़कर अब बाकी के फंदे इसको डिक्रीज कर देंगे तो ऐसे इसको स्लिप करेंगे ऊपर से डिक्रीज करेंगे इसको हमने ना तो ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा लूज हाथ से इसको जो है वो बाइंड ऑफ करना है ये इस तरह से ये सभी फंदे एक फंदा बुनेंगे इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे अब नेक्स्ट फंदा बुनेंगे ऊपर से ड्रॉप करेंगे इसी तरह से इसके सभी फंदे हम सेंटर को के जो है वो क्लोज कर देंगे दोनों साइड में हमने ट्वेंटी वन इक्कीस इक्कीस फंदे इसके रखने हैं एट एट फंदे हम इसके नेक के रख लेंगे और बाकी के इसके जो फंदे हैं वो पैटर्न के रहेंगे तो बाकी के जो सेंटर के फंदे हैं वो हमने डिक्रीज कर लेनी हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये सभी फंदे एक एक करके डिक्रीज कर देंगे देखिए यहाँ पर हमारे पास टू फोर सिक्स एट एक फंदा और डिक्रीज कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास ये एट फंदे इसके नेक के रह गए हैं यहाँ तक हमारा पैटर्न है टू फोर सिक्स एट अब इसको स्लिप करेंगे ये देखिए इस तरह से स्लिप करेंगे धागा आगे लेकर आएंगे और सेवन फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन धागा पीछे पैटर्न डालेंगे ऊपर से ड्रॉप कर देंगे फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे आप ऊपर से ड्रॉप कर देंगे लास्ट में दो फंदे उल्टे और एस्टेज सीधा बुल लेंगे अब रॉन्ग साइड में आएंगे और अब हमने इस साइड को पहले बना लेना है तो देखिए ऐसे स्लिप करेंगे और बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे दो फंदे सीधे धागा आगे एक फंदा उल्टा झाई डालेंगे दूसरा फंदा उल्टा फोर फंदे सीधे टू थ्री फोर धागा आगे एक फंदा उल्टा झाई डालेंगे दूसरा फंदा उल्टा अब इसके ये एट फंदे हैं ये देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब इस फंदे को भी हमने सीधा बना लिया है तो सभी फंदे हमने इसके बुन लिए हैं अब सीधी साइड में आ गए हैं इस फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और धागा आगे लेकर आएंगे सेवन फंदे उल्टे वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन धागा पीछे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे वन टू एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे वन टू थ्री एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एस्टे सीधा बना लेंगे फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा अब तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे वन टू एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री अब एट फंदे उल्टे बना लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फिर से सीधी साइड में आएंगे ये देखिए इसी तरह से इसको हम ऊपर तक बना लेंगे और ये वाला इसका जो फंदा है इसको हम इस तरह से ऐसे सीधा स्लिप करके लेंगे धागा आगे लेकर आएंगे और ये देखिए ये हमारे फंदे हैं इनको उल्टा बना लेंगे और साइड का फंदा हमने सीधा ही लेना है तो इसी तरह से ये देखिए इसको बना लेंगे पैटर्न डालेंगे ये दो फंदे सीधे ऊपर से पास ओवर करेंगे इस फंदे को फिर फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे ऊपर से पास ओवर करेंगे फिर दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा ये देखिए इसी तरह से इसको बुनते हुए इसकी हम रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो बुनकर इसकी एक साइड की कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरी साइड आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे ये देखिए हमारी एक साइड की इसकी शोल्डर की लेंथ कंप्लीट हो गई है और इसमें हमने ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन ये फोर्टीन यानी कि चौदह इसके पैटर्न डाले हैं और यहाँ पर मैंने आपको इसकी लेंथ बता दी थी कि शोल्डर की हमने कितनी लेंथ रखी है तो आप अपने हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसकी दूसरी साइड की भी सेम लेंथ बनाएंगे तो इसको हमने ये देखिए सीधी साइड से इस फंदों को हमने डिक्रीज किया था उसके बाद यहाँ से हमने पैटर्न डालना स्टार्ट किया था और इस साइड को हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे ये इसकी रोंग साइड है यहाँ पर हमने धागे को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर देखिए किस तरह से इसके हम गले को बनाएंगे यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो हमने इसके फंदे डिक्रीज करने स्टार्ट किए थे इसका ये वाले फर्स्ट फंदे को जहां से हमने डिक्रीज किया था ये वाला फंदा हम इस तरह से यहाँ से उठा लेंगे और इसको ये वाले फर, ये वाले फंदे को भी यहाँ पर ले लेंगे और इसको इसके ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे इससे हमारा ये जो फंदा है वो अच्छे से इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी इसकी शेप आएगी इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से इसे बनाएंगे हम बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे तो ये देखिए इसको भी साथ में धागे को सिक्योर कर देंगे और ये वाले हमारे जो फंदे हैं ये उल्टे बनेंगे टू ये देखिए इसके साथ थ्री फंदे हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन फंदे हमने इसके उल्टे बना लिए हैं अब ये वाला फंदा एट एट फंदे हम इसके उल्टे बनाएंगे तो अब यहाँ से पैटर्न डालेंगे एक फंदा उल्टा चाय डालेंगे धागा आगे लाएंगे दूसरा फंदा भी उल्टा ही फिर एक फंदा सीधा ये देखिए टू थ्री फोर फंदे सीधे एक फंदा उल्टा चाय डालेंगे धागा आगे लाएंगे दूसरा फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे एस्टिच उल्टा बना लेंगे फिर देखिए सीधी साइड में आएंगे और यहाँ पर हमारा एस्टेज स्लिप करेंगे और पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे वन टू थ्री एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे वन टू एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे वन टू थ्री फिर एट फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे ये देखिए इस साइड में इसको हम सीधा बुनेंगे फिर रॉन्ग साइड में आएंगे तो सेम ही बना लेंगे इसको स्लिप करेंगे और सेवन फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब पैटर्न स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे वन टू एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ए भी उल्टा ही बना लेंगे फिर सीधी साइड में आ जाएंगे तो देखिए एसटी स्लिप कर लेंगे पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे और इसको ऊपर से पास ओवर करेंगे फिर फोर फंदे उल्टे वन टू तो, थ्री फोर स्लिप करेंगे एक फंदा दो फंदे सीधे और इसको ऊपर से स्लिप करेंगे फिर सेवन फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे रॉन्ग साइड में जाएंगे ये देखिए इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे रॉन्ग साइड से इसको स्लिप करेंगे और सेवन फंदे उल्टे बना लेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पैटर्न डालेंगे एक फंदा उल्टा साइड डालेंगे दूसरा फंदा उल्टा एक फंद फोर फंदे सीधे टू थ्री फोर एक फंदा उल्टा साइड डालेंगे दूसरा फंदा उल्टा दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा सीधी साइड में आएंगे ऐसे स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे वन टू थ्री एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे वन टू थ्री फिर सेवन फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेंगे। ये देखिए इसी तरह से जैसे हमने इस इस की की इसकी जितनी बनाई है उतनी ही length हम इस की भी इसकी बनाकर कंप्लीट कर, कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसकी दूसरी साइड की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है और इस साइड में भी हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन पोल्टीन यानी कि चौदह पैटर्न इस साइड में और चौदह पैटर्न हमने इस साइड में डाले हैं तो इस तरह से हमने दोनों साइड इसकी सेम ही बनाई है तो अब हम यहाँ से इसको ऊपर से दोनों साइड को ज्वाइन कर लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका फुल दिखाएंगे कि बनकर ये किस तरह से दिखेगा तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूल तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय फ्रेंड